करना पड़ता है। लेकिन एक शायर कहता है कि इस्लाम के आगोश में जो शख्स बड़ा है कद में है छोटा लेकिन कद में बड़ा है। नंदरेनूर के रेल पर आप देख रहे हैं शहजादे हुजूर सफल उलमा, आईने हुजूर सफल उलमा, अक्से हुजूर सफल उलमा, फतेह इब्ने फतेह, मुमताज़ उलमा, हजरते अल्लामा मौलाना माहिर आलम साहब क़िबला अंजदी नंदरेनूर के रेल पर मौजूद हैं, जिनके वाले गिरामी का फैजान मेरा यकीन कहता है कि पूरे नेपाल पर है। कहिए सुल्तान, बड़े बड़े बुजुर्गों ने जिनके किताब को देख करके ये कहने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसे भी आलिम दीन नेपाल में है। कहिए सुल्तान, बड़ी शख्सियत है जो आपकी निगाहों के रेल पर मौजूद है। एक लहजा जो इस वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाबाए कौम मिल्लत कि बड़ी मेहरबानी, बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत हमारे साथ इस वक्त है। जब से निगाहे करम बाबाए कौम मिल्लत की पड़ी है तब से मैं और भी आला और बाला हो गया हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। एक तरफ नाइब असद इकबाल जिनको सुनने के बाद आप ये फर्क नहीं कर सकते हैं कि किस अजीम शायर की आवाज को मैं समाप्त कर रहा हूँ। वो अजीम लहजा जनाबे मोहतरम हजरत कमर रजा बनारसी की सूरत में यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनका भी ताल्लुक बड़े बड़े आलिम दीन और बड़े बड़े बुजुर्गों से है। कई सुल्तान हमारे बेहतरीन लहजा जिनका ताल्लुक मुल्क हिंदुस्तान से है जनाबे फूल मोहम्मद फूल वो भी तशरीफ रखते हैं। इन दोनों शायर के दरमियान एक और जनाबे मोहतरम हजरत जमजम वैशाली कहते हैं। कई